Welcome to yet another exciting episode of Say It All with Iffat Omar. आज मेरे प्रोग्राम में जो मेहमान आ रही हैं वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त ही नहीं बहुत टैलेंटेड एक्टर भी हैं और पाकिस्तान में चंद फैशन आइकॉन्स में उनका नाम भी शामिल होता है. मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन नौशीन शाह की. सो लेट्स पुट योर हैंड टुगेदर एंड वेलकम नौशीन शाह. Thank you so much for being on my show. Thank you so much for having me. Are you ready to say it all? Absolutely. Pakki baat? Definitely. Aur agar main aur Nausheen ek jaise lag rahe hain to I must tell my audience ki aaj meri styling Nausheen ne ki hai aur maine bhi pura fayda uthaya ki agar mere show mein ek style icon aa rahi hai to aaj main bhi zara stylish lagu to meri styling Nausheen ne ki hai. Hum actually ek jaise lag rahe hain. Okay. Yeah. Acha mujhe ye batao ki tumhare Instagram handler पे ये लिखा हुआ है सम से एन एक्टर. यू डोंट कंसिडर योर सेल्फ एन एक्टर? इट्स अ स्टेटमेंट. इट्स अ कूल कोट. इट्स अ कूल कोट. कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक्टर भी हूँ. इट्स जस्ट अ कोट. पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड आई थिंक पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस. और आपके इंस्टा पे ये भी लिखा हुआ है कि ऑलवेज मेक अ फैशनेबल स्टेटमेंट. यानी आपके मुताबिक अगर कोई फैशनेबल नहीं है तो वो स्टेटमेंट नहीं बना सकता. नहीं, इट्स ऐसा नहीं है. ये मैंने उस तरह से नहीं लिखा. देखिए, फैशन एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं. पर्सनालिटीज़ के साथ नहीं कर सकते. आपकी जो एक अंदर की एक जो क्लास होती है, जो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, जो जिस तरह से जिस माहौल में आप पले बड़े होते हैं, वो डिफरेंट है. फैशन इज़ इट्स अ फ्री स्टेट. उसमें आप जो मर्जी कर लें. मैंने ये क्यों लिखा है वो मैं आपको बता देती हूँ. मुझे प्रेजेंटेबल लुकिंग लोग अच्छे लगते हैं. okay. मुझे वो हर इंसान अच्छा लगता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रही. मैं एक खुश लिबासी की बात. एग्जैक्टली. मुझे इस तरह के लोग अच्छे लगते हैं. मुझे पर्सनली अच्छे कपड़े पहनने का शौक है. मैं शायद अगर आज कपड़े और जूतों पे कम पैसे खर्चती तो मेरा घर बड़ा अच्छा होता. मैंने सारा मेरे ख्याल में जो कमाया है वो जूते और कपड़ों पर ही लगा दिया है. बट व्हाई नॉट यू लिव वंस? That's true. Yeah. But you should save something also. That is also practical, na, जो हम नहीं सोचते. But नहीं, fashion designers, बड़े designers, इनके कपड़े पहनने से statement नहीं बनती है. आप लंडे के कपड़े पहन लें. मैं तो जूते, फटे हुए जूतों में और फटी literally फटी हुई टी शर्ट में बगैर मेकअप के चली जाती हूँ और मुझे लोग कहते हैं you're an actor, आप एक्ट्रेस हैं, आप थोड़ा सा तो मेकअप कर लिया करें. And I'm like, I really don't care. अगर मेकअप से मेरा कुछ लेना देना है या मेरे काम का या मेरी पर्सनालिटी का तो आई वुड रादर नॉट डू मेकअप. सॉरी. अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि यू बिलोंग टू अ फैमिली फ्रॉम एप्टाबाद. यस. कंजर्वेटिव फैमिली. एब्सोल्युटली. एंड यू आर अ सैयद. यस. राइट. कैसे इजाजत मिली बहन? आई डोंट नो. मुझे लगता है कि कुछ चीजें आप प्लान करते हैं और कुछ अल्लाह की जात करती है. मेरे मामले में चूंकि जिस तरह की जगह से मैं हूँ, जिस तरह के गाँव से मैं हूँ, जिस तरह का मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है, ये चीज़ मैं पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि मेरी ये जो जर्नी है या मेरा जो प्रोफेशन है, ये मेरे लिए मेरे रब ने चुना है. मेरी तरफ से इसमें कोई वो नहीं था. मेरा लोगों को मुझे देखना, अप्रोच करना, ऑडिशन के लिए बुलाना, ऑडिशन करके आ जाना, एक छोटा सा रोल मिलना जिसमें मुझे 3,000 रुपये मिले थे, कपड़े दोस्त से मांग के पहनना चूंकि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे उस वक्त पहनने के लिए, तो आई हैड टू आस्क माय फ्रेंड, शी यूज्ड टू स्टडी इन बीकन हाउस. एंड घर वालों को ना बताना चूंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले, स्पेशली माय मदर, मेरी वालदा बहुत सख्त हैं. अब्बा मेरे थोड़े ऐसे हैं कि वो भाइयों की तरह तरफ थोड़ा उनका रुझान जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. बट व्हेन इट कम्स टू मी एंड माय एल्डर सिस्टर, ही इज़ वेरी पोलाइट. सो ही डजंट अलाउ माय मॉम टू रेज हर हैंड और येल एट अस. सो इज़ वेरी लाइक, यू नो, वी आर, मी एंड माय सिस्टर, वी बोथ आर वेरी वेरी पैम्पर्ड बाय आवर फादर. तो ये कुछ अल्लाह ताला का ही था प्लान कि उसने एक फैमिली में से एक बच्चा चुना है कि ये काम करेगा और शायद एक हद तक ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये वाला बच्चा है जो उठा सकता है. सो दैट वॉज मी पिक बाय हिम. तो इस बच्चे ने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ इट. एंड मुझे लगता है कि मैं नहीं, सारी लड़कियां, व्हाई नॉट. हमें क्यों एक बॉक्स में डाल दिया जाता है दैट अ वुमन इज ओनली बिलोंग्स टू द किचन? नो, ऐसा नहीं है. औरत मर्द की तरह काम कर सकती है. एक मर्द किसी कंपनी का CEO हो सकता है, एक बीवी का शौहर हो सकता है, चार बच्चों का बाप हो सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, तो औरत क्यों नहीं कर सकती?
और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इज ऑल्सो आई थिंक अ रॉन्ग वर्ड. मतलब आई एम अ वर्किंग वुमन, वाई नॉट. और सारी लड़कियों को काम करना चाहिए, और अगर नहीं कोई काम आपको करने देता तो आप फाइट करें, क्योंकि इट्स आवर राइट. Who are these people to stop us? और मैंने तो जितनी काम करने वाली औरतें देखी अपनी जिंदगी में, वो सब अपने घर का भी उतना ही ख्याल रखती हैं. ये भी एक मिथ है कि जो औरत बाहर काम करने चली जाएगी वो घर नहीं संभाल सकती. ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है. एक औरत अगर बच्चा पाल सकती है, पैदा कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है. औरत मुझे लगता है, औरत को तो मैं अगर किसी एनिमल से आप मुझे बोलेंगे इसको कंपेयर करो तो वो तो एक टाइगरिस्ट है. आप उसके साथ नहीं बीट कर सकते, और उसको डोमिनेट करने की और अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. मुझे बहुत खुशी होती है व्हेन आई सी अदर वुमेन सपोर्टिंग ईच अदर. ये है एम्पावर करना एक दूसरे को, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आर यू अ फेमिनिस्ट? आई एम अ बैड काइंड ऑफ अ फेमिनिस्ट. ये जो बात की थी मैडोना ने एक अपने अवार्ड में, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. मैं For example, if I see something happening wrong with a man, तो मैं लड़की का साथ देने वाली तो हूँ नहीं. अच्छा जी, बिल्कुल. और अगर मैं देखूँ कि किसी औरत के साथ ज्यादती हो रही है तो मैं मर्द का साथ देने वाली भी नहीं. I am one of those people, I'll be all fair. तो feminist मैं इस तरह की हूँ कि जहाँ सच है, जो हकीकत है, वो आप दूसरे के मुँह पे बोल दें. Like it or not like it is none of my business. But I'm gonna be. For example, Me Too movement. Yes. मैं सिर्फ example दे रही हूँ. Yeah. आपकी कहीं harassment अगर हो रही है. Yeah. तो आप उसका सबूत लेके नहीं आ सकते. आप कभी कैसे ला सकते? नहीं ला सकते. तो उस situation में तुम्हारा feminism क्या कहता है? मुझे लगता है कि देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब इस तरह की आपके साथ चीजें होती हैं तो आप बाकी डरे हुए होते हैं. आप नहीं बात कर सकते. आपका अनफॉर्चुनेटली हमारे जो खानदानों में सिखा दिया गया है कि हाय ये आपके साथ हो गया, प्लीज घर से बाहर किसी को मत बताना, रिश्तेदारों में नहीं पता चलना चाहिए. एक्चुअली हरासमेंट होती भी अक्सर औकात जो आप हैंडल नहीं कर पाते वो होती है जो जानने वाले करते. मुझे लगता है कि अगर हमें हमारे घरों से स्पेशली लड़कियों को, बच्चियों को ये सपोर्ट दे दी जाए, लाइक माय फादर. मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ. मेरे अब्बू ने मुझे और मेरी बहन को, ये बहुत सारे लोग हैं ऑडियंस है, आई होप इस चीज़ से जितने वालदैन हैं स्पेशली मर्द हजरात थोड़ा सा उनको अकल आ जाए. मेरे वालिद मेरे भाइयों को कभी ये बात नहीं कहते थे. वो मुझे और मेरी बहन को कहते थे कि अगर किसी ने तुम दोनों को बुली कभी भी किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तुम मेरे लिए मेरे माशाल्लाह चार भाई हैं और हम दो बहनें. वो हमेशा ये बात कहते थे कि किसी ने अगर तंग करने की कोशिश की तो रोती हुई घर मत आना. अगर रोती भी घर आओगी तो मैं चमाट मारूंगा, मार के आना उसको. स्लैप दैट पर्सन, वेदर इज अ गर्ल और अ गाय. सो आई पर्सनली, एंड अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं, अगर आप में इतना है, हौसला है कि किसी ने ऐसी बात की है जिसको आप लेट गो कर सकती हैं, कर दें. नहीं कर सकती, अगर आपको फील होता है कि किसी ने आपका फायदा उठाने की कोशिश की है, उसको वहीं रोक दें. उसको वहीं रोक दें, या जब आपका दिल करे आप उस पे रिएक्ट कर लें. एग्जैक्टली, ये जो कुछ लोगों की हिम्मत नहीं होती उसका. मैं उसी दूसरी बात पे भी आना चाह रही थी कि ये बहुत अनफेयर होता है जब किसी के ऊपर, मेरे ऊपर अगर कोई चीज गुजर रही है तो वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है, वो तीसरे इंसान को नहीं पता. आप हर औरत में इतनी हिम्मत नहीं होती वो उसी वक्त रिएक्ट. बिल्कुल, हर दफा आपके, अगर आपके साथ अल्लाह ना करे कोई ज्यादती हुई है, कोई नाजायज हरकत हुई है, तो जरूरी नहीं है कि आप उसी मौके पे ही उस बात को उठाएंगे. अब वक्त मौके के हिसाब से उसकी 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 मुनासिब और अपनी स्टेबिलिटी के उसके exactly. लिहाज से भी कि कब आपका आयु रेडी फॉर. किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपके साथ आज ज्यादती हुई है तो आपने आज ही खड़े होना है ना. अच्छा नौशीन, आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टा एंड एवरीथिंग फेसबुक. आपने डिप्रेशन का आपने पूरा जो द व्हाटएवर यू वेंट थ्रू अपनी पूरे फैंस के साथ शेयर किया हुआ है, अपना पूरा एक्सपीरियंस. आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर अ व्हाइल नाउ. व्हाई? ये सबसे पहले मुझे बताओ कि डिप्रेशन हुआ कब? व्हेन डिड यू रियलाइज कि मुझे डिप्रेशन का मर्ज है? सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये एक मर्ज है. हाँ, मर्ज है, नॉर्मल है. नॉर्मल, इसमें ये गाली नहीं है. इट्स फाइन, इट्स लाइक एनी अदर बीमारी. जो कि ये एक स्टिग्मा है जो हमें, मैं रीज़न बता देती हूँ कि पहले मैंने बात क्यों. पता तो मुझे ऐसे चला क्योंकि मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देती थी. एक अजीब सी नाउमीदी, खुशी नहीं थी, एक इनर सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है, दैट वाज मिसिंग.
हैविंग एवरीथिंग इन लाइफ, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, खाते पीते अच्छा है, पहनते उड़ते अच्छा है, नाम है, इज्जत है, काम है, अल्लाह ताला ने फैमिली दी है, सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी किसी चीज़ की कमी है. तो वो एक खालीपन जो था वो मुझे बॉदर करता था. फिर हमारी जिस तरह की हम इंडस्ट्री में हैं, इट लुक्स वेरी नाइस, दूर से जब हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से बहुत खोखली है. हम बड़े मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे और बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बुरी भी लगे, बट आई एम नॉट समबडी हुज़ गोना लाई. आई कांट लाई टू माई सेल्फ, आई कांट लाई टू माई ऑडियंस, माई फैंस, आई हैव टू बी ऑनेस्ट. जब आप थोड़ा सा दुनियावी इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं, हर किसी का अपना अपना बिलीव होता है, हर किसी की अपनी अपनी कॉलिंग होती है. जब मुझे डिप्रेशन था या मुझे एक बेसुकूनी थी, तो मुझे फील होता था कि मेरी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, मैं किसी चीज़ को मिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में. पता चला वो क्या चीज़? हाँ, आई थिंक माई कनेक्शन विद गॉड, माई कनेक्शन विद सोशल लाइफ. आई हैड टू डिसकनेक्ट माई सेल्फ, मुझे अपने आप को लोगों से दूर करना था, मुझे अपने घर वालों के करीब आना था, मुझे अपनी सोल को क्लीन करने के लिए इस फेक और ये जो ग्लिटर वाली जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर है इससे दूर रहना था. तो चमकती में पहले जो लाइफ गुजर रही थी वो दैट वाज फेक, वो बहुत चमकती दमकती लेकिन खोखली. तो उससे जब दूर हुई और जब मैंने नमाज पढ़ना 5 वक्त की शुरू की, मुझे बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कभी कभी कि आप 5 वक्त की नमाजी हैं लेकिन आपकी अक्सर आप कपड़े ऐसे पहनती हैं जिसमें आपकी टांगे नज़र आती हैं. तो मैं कहती हूँ आप वकील बन के मेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे, सो शट अप, आप अपने काम से काम रखें, मैं जानूँ, मेरा रब जाने. लेकिन मेरा जो इफ़त, मैं आपसे सही बात कहूँगी, मेरा जब से ये सोशल लाइफ काम, नमाज की तरफ ध्यान, अपने माँ बाप की तरफ ध्यान, अपनी फैमिली की जो इम्पोर्टेंस अब मुझे फील होती है और अपनी